Good morning students, welcome to the online classes from New Rajasthan Public School. I am taking your English subject. पिछले एपिसोड में आप लोग हमने क्या पढ़ा था, नाउन के बारे में. नाउन क्या है, नाउन के काइंड्स ऑफ नाउन, तो ये हमने पढ़ा था. तो ये और एक बार बता दे, तो नाउन क्या है. नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स. पर्सन किसी व्यक्ति का नाम, प्लेस जगह के नाम, किसी थिंग्स चीज के नाम, और किसी जानवर के नाम. ये ऑल दीज आर क्या है, नाउन. और नाउन क्या था, काइंड्स ऑफ नाउन. नाउन दो तरह के होता है, जैसे है काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन क्या था, काउंटेबल जिसके हम गिनती कर सकते हैं, वह है जिस नाउन के हम गिनती कर सकते हैं वह काउंटेबल नाउन, और जिस नाउन के हम गिनती नहीं कर सकते वह है अनकाउंटेबल नाउन. मैंने तो एग्जाम्पल पर दिया था, जैसे दिस इज अ टीम ऑफ फाइव प्लेयर्स. प्लेयर्स ये कितने प्लेयर्स हैं, फाइव. आप गिनती कर सकते हो फाइव, तो इसलिए प्लेयर्स इज काउंटेबल नाउन. और अनकाउंटेबल नाउन, आई लाइक ऑरेंज जूस, मुझे जूस पीना पसंद है, तो क्या है, जूस. इसके गिनती नहीं कर सकते हो, तो इसलिए ये है अनकाउंटेबल नाउन. अब देखो, अब हम एक्सरसाइज करेंगे. ए, पिक आउट द नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो ये आप खुद भी कर सकते हो, ट्राई योर सेल्फ. पिक आउट द नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नंबर वन, Hari is playing with a ball. यहाँ पे देखो जगह है. Pick out the कांडल लाइन नहीं करना है, यहाँ से आपको नाउ यहाँ लिखना है. देखो, हरी इज प्लेइंग विथ अ बॉल. हरी क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अभी कर रहा है. तो हरी क्या बॉल से खेल रहा है. तो हरी क्या है, हरी किसी व्यक्ति का नाम यानी पर्सन के नाम. तो हरी इज नाउ प्लेइंग विथ अ बॉल. बॉल किसी थिंग्स का नाम है, तो इसलिए यहाँ पे दो नाउन है, एक हरी और सेकेंड इज बॉल. तो दोनों ही लिखना है यहाँ पे, हरी एंड बॉल. ठीक है. नंबर टू, डू योर सेल्फ. द वुड कटर वॉज कटिंग वुड. द वुड कटर वॉज कटिंग वुड. वुड कटर क्या कर रहा है, वुड लकड़ी काट रहा है. तो वुड कटर तो लकड़ी काटता है, तो उसको वुड कटर. हियर इज द नेम ऑफ पर्सन. तो वुड कटर वॉज कटिंग वुड, लकड़ी. तो ये भी नाउन है, थिंग्स. ये पर्सन का नाम हो गया और ये थिंग्स के नाम है. तो द टू नाउन्स है, वुड कटर एंड वुड. ये आपको बुक में भी करना है, कॉपी में भी, ये आपके होमवर्क है. ओके, गुड हैंड राइटिंग में करनी है. ये बुक में भी, फिल योर बुक हियर. ये ऐसे जो लिखा है मैंने, यहाँ पे नाउन यहाँ लिखना है और कॉपी में भी करना है. ओके, नंबर थ्री, आवर क्लास कंसिस्ट
of 50 pupils. Our class consists of 50 pupils. हमारी क्लास में कितने pupils here is छात्र या विद्यार्थी, तो कितने विद्यार्थी हैं हमारी क्लास में 50. तो 50 ये भी हो सकते थे countable noun, 50 ये pupils countable noun, ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्या बताया, only noun, ठीक है. तो एक क्लास कक्षा जगह के नाम किसी प्लेस के नाम है और pupils ये पर्सन, तो दोनों ही क्या हो गया noun. क्लास और pupils. नंबर फोर, दिस इज माई पेन. दिस इज माई पेन, ये मेरी पेन है. तो यह नाउन क्या है, वेरी इजी. क्या है, थिंग्स. थिंग्स देखो इसमें क्या है, पेन. तो पेन इज नाउन. बस यहाँ पे ओनली पेन लिखो. नंबर फाइव, बॉयज आर रीडिंग इन द लाइब्रेरी. बॉयज आर रीडिंग इन द लाइब्रेरी. यहाँ पे भी दो नाउन है. क्या है, बॉयज, लड़के. क्या, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं. तो इसमें बॉयज भी नाउन है और एक जगह है लाइब्रेरी, तो ये भी नाउन है, बॉयज एंड लाइब्रेरी. नंबर सिक्स, The train stopped at the station. The train stopped at the station. ट्रेन क्या, स्टेशन में स्टॉप हो गया. तो इसमें नाउन भी इसमें दो है, एक क्या है, किसी थिंग्स के नाम ट्रेन एंड स्टेशन जगह के नाम है. तो ये ट्रेन एंड स्टेशन बोथ आर नाउन. नंबर सेवन, रामा वाज प्रिंस ऑफ अयोध्या. रामा वाज प्रिंस ऑफ अयोध्या. रामा क्या, अयोध्या के क्या युवराज था. तो इसमें रामा क्या है, दो है इसमें, रामा लॉर्ड राम, लॉर्ड श्री राम. तो रामा ये है नाउन, इसी का नाम है, और अयोध्या जगह के नाम है. तो रामा और अयोध्या है नाउन. नंबर एट, द रेड फोर्ट इज मेड
of red stones is made of red stones. रेड फोर्ट क्या है? लाल किला. इज मेड ऑफ रेड स्टोन्स, लाल पत्थर से बना है. तो इसमें यह क्या है? नाम दो है, एक है रेड फोर्ट, किसी जगह का नाम है द रेड फोर्ट, एंड स्टोन्स थिंग्स के नाम है चीज का. तो रेड फोर्ट एंड स्टोन्स. नंबर 9, ये पॉज करके कॉपी में कर लेना. ओके, ये आपके होमवर्क है. नंबर 9, दारा सिंह इज अ ग्रेट रेसलर. देखो, दारा सिंह इज अ ग्रेट रेसलर. दारा सिंह एक क्या? महान पहलवान है. तो यहाँ पे भी देखो क्या नाम है किसी के. तो दारा सिंह इज अ नेम ऑफ अ रेसलर. तो दारा सिंह नाउन एंड ऑल्सो एक और एक नाउन है रेसलर, पहलवान. तो दो हो गया नाउन, एक दारा सिंह. नंबर 10, दिल्ली इज एन एंशियंट दिल्ली इज एन एंशियंट टाउन. दिल्ली क्या है? पुराना शहर है. तो हियर इज दिल्ली, जगह के नाम है प्लेस, और टाउन शहर ये भी प्लेस के नाम है. तो दिल्ली और टाउन, दिल्ली एंड टाउन इज नाउन. तो ये क्लियर है नाउन क्या है. अब देखो नंबर बी, अंडरलाइन द काउंटेबल नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इस सेंटेंस में आपको काउंटेबल नाउन अंडरलाइन करनी है. बी देखो, अंडरलाइन द काउंटेबल नाउन. नंबर 1, मेनी animals live in water. countable noun underline करनी है, जिसके आप गिनती कर सकते हो. many animals, कई जानवर क्या? live in water, water में रहते हैं, पानी में रहते हैं. तो इसमें क्या है countable noun? कौन सा है? animals, क्योंकि animals क्या आप count कर सकते हो. तो here is countable noun क्या है? animals. नंबर 2, bees gives us honey. bees gives us honey, मधुमक्खी से हमें क्या मिलता है? हनी मिलता है, शहद. तो इसमें हेयर काउंटेबल नाउन क्या है? bees. नंबर 3, एरोप्लेन्स फ्लाई इन द एयर. यहाँ पे क्या देखो, एरोप्लेन्स फ्लाई इन द एयर. तो एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स के आप हवाई जहाज को गिनती कर सकते हो. तो एरोप्लेन्स इज अ काउंटेबल नाउन. नंबर 4, दिस प्लांट
has many leaves. This plant, particular एक plant बताया है, many leaves, तो leaves है countable noun. This is a bunch of four keys. Of four keys. ये चार चाबी के क्या बंच है, तो इसमें चार चाबी पता है, तो इसलिए keys है countable noun. तो आपको ये भी होमवर्क में करना है. नंबर इज ए, पिक आउट द नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, एंड बी अंडरलाइन द काउंटेबल नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस. ये दोनों बुक में भी करना है, कॉपी में करना है. ओके, पॉज कर लो, आप कॉपी में कर लो. ये होप यू ऑल अंडरस्टैंड द टॉपिक. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.